आपको बताएं कि फैसलाबाद के पीटीआई के दौरे हुकूमत में महकमा सेहत ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2020 से 22 के दरमियान चिन्योर, झंग और टोबर टेक्सिंग के अस्पतालों में 1 अरब से जायद करप्शन का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे। नईम कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम बताइएगा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो 2 साल हैं, इन 2 सालों में फैसलाबाद डिवीजन में महकमा सेहत के अंदर बदतरीन करप्शन हुई है और 1 अरब से ज्यादा की ये करप्शन का इंकशाफ है, जो कि पाकिस्तान ऑडिट जनरल की रिपोर्ट में ये सामने आया है। अगर मैं तफसील के साथ आपको बताता चलूं तो सिर्फ समनाबाद अस्पताल में अद्वियात की खरीदो फरोख की मद में 4 करोड़ से ज्यादा की करप्शन की गई है, जबकि समंदरी तानवे वाला और चकजुमरा के जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है वहां पर अद्वियात की खरीदो फरोख में 20 करोड़ रुपए की करप्शन जो है वो की गई है। उसके अलावा जो डॉक्टर्स की हदायत के बगैर अद्वियात जो है वो तजवीज की जाती रही है और अस्पताल से दी जाती रही है, जिससे कौमी खजाने को करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है। और उसके अलावा फेस मास्क की खरीदारी भी डॉक्टर को की गई है और उसके अलावा डॉक्टर्स को रब्ता के खिलाफ फेस मास्क जारी किए गए हैं और अद्वियात कैसे। इस हवाले से आपने हमें आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया।